रविंद्र जडेजा ने ढाया गेंदबाजी से कहर, 10 विकेट लेकर बना डाला रिकॉर्ड और साथ में ऑस्ट्रेलिया टीम खिलाड़ी का थोड़ा घमंड। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरी खबर। इससे पहले आप भी रविंद्र जडेजा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था। भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेट से जीतकर 4 टेस्ट मैचों सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है। पहले टेस्ट मैच के हीरो रहे रविंद्र जडेजा ने दूसरे टेस्ट मैच में भी अपनी गेंदबाजी से कहर ढाते हुए 10 विकेट लेकर दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। दोस्तों बताते पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली पारी में 263 रन बनाए। भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। 263 रन के जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 262 रन नहीं बना सकी और ऑस्ट्रेलिया टीम को 1 रन की मामूली बढ़त मिली। ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी दूसरी पारी को 1 रन की मामूली बढ़त से ऊपर बढ़ाया, पर रविंद्र जडेजा की कातिल गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया टीम का एक भी खिलाड़ी नहीं टिक सका और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 113 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 7 विकेट लेकर रिकॉर्ड बना डाला। रविंद्र जडेजा अब एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर अनिल कुंबले का नाम आता है, जिनके नाम एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेट से जीत लिया है और अब भारतीय टीम 4 टेस्ट मैच सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है।